चिल्ड्रेन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, आप देख रहे हैं, आप इनको जरूर पहचानते होंगे। इनका नाम है श्रवण कुमार। इनके बारे में बहुत ही प्रचलित कहानी है एक, कि वे अपने अंधे माता पिता को तीरथ पे ले गए थे, अपने कंधे पे इस तरह का भंगी बना के, और अपने माता पिता को उठा के ले गए थे। तो यह बालक हमेशा के लिए अमर हो गया। इसके बारे में क्या कहानी दिया हुआ है, आइए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करते हैं। देखते हैं यह चैप्टर का नाम क्या है। यह है चैप्टर 4 और यह क्लास 2 का हिंदी बुक है। इस चैप्टर का नाम है श्रवण कुमार, उन्हीं के नाम से दिया हुआ है। आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पहले श्रवण का जन्म हुआ था। वह बहुत ही सुशील बालक था। उसका शील माता पिता की सेवा में प्रकट हुआ है, रामायण में उसका नाम आया है। ये बहुत पहले की बात है। वह बहुत ही सुशील बालक था श्रवण, और वह अपने माता पिता का सेवा करने के लिए विख्यात है। रामायण में भी उनका नाम आया है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वे बूढ़े हो चुके थे। श्रवण कुमार बूढ़े और अंधे माता पिता की सेवा को धर्म समझता था। वह चाहता था कि उन्हें बुढ़ापे में दुख ना हो, उन्हें अपने पुत्र का सुख मिले। हर बेटा ही समझता है कि अपने माता पिता को सेवा कर सके, क्योंकि जब वो बच्चा छोटा रहता है तो माता पिता उसकी देखभाल करते हैं और उसे बड़ा करते हैं, तो माता पिता को भी अपने बच्चे से कुछ उम्मीद रहता है। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की। श्रवण उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक भांगी लाई, भांगी के दोनों तरफ माता पिता को बैठाया। अब देख रहे हैं भांगी किस तरह का है। इस तरह से बनाने के बाद वो अपने माता पिता को बैठा लेता है। भांगी को अपने कंधे पर उठाया, उन्हें तीर्थ कराने चल पड़ा। तीर्थ के लिए आज के समय में लोग गाड़ियों से जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता अंधे थे, इसीलिए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए यह भांगी का उपयोग किया। गाँव, नगर और वन पर्वत को पार करता रहा, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता रहा। उसने बांगी को ढोने में सुख माना, शीत और गर्मी की कष्ट को सुख समझा। वह देख रहा था कि बूढ़े माता पिता के मुख पर तीर्थ यात्रा का संतोष है। वह अपने पैरों और कंधे की पीड़ा को भूल गया। जब आपको कोई ऐसा काम करने को मिले जिसमें आनंद प्राप्त होता है, तो फिर उसमें मिलने वाला कष्ट का आप ध्यान नहीं देते हैं। उसी तरह से श्रवण कुमार उस जो उनके कंधे में जो दर्द हो रहा था और पैरों में, तो उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। उसका मन कहता था कि माता पिता की सेवा से जीवन सफल हो जाएगा। ये सही बात है, अगर कोई अपने माता पिता का सेवा करता है तो जीवन में जो बनना चाहेगा, जो करना चाहेगा, वो जरूर कर पाएगा। और आगे क्या दिया हुआ है। एक बार एक वन में उसके माता पिता को बड़ी प्यास लगी। उन्होंने श्रवण को जल लाने के लिए कहा। श्रवण ने भंगी एक पेड़ की छाया में रख दी, उन्हें छाया में बैठा दिया। वह धूप में जल लाने नदी तट पर पहुंचा। उसने जल पात्र को नदी में डुबोया। जल में गड़गड़ के शब्द हुए। उसी समय एक तीर उसकी छाती में आ लगा। वह आह करके गिर पड़ा, मुंह से माँ माँ पिता पिता कहकर हाहाकार करने लगा। तीर्थ के दौरान उनके माता पिता को प्यास लग जाता है और वे पानी की इच्छा करते हैं, तो श्रवण कुमार उस भंगी को एक पेड़ की छांव में रख देते हैं और कोई पात्र लेकर वो चले जाते हैं नदी में। उस समय ज़्यादातर लोग नदी का ही पानी पीते थे, क्योंकि उस समय नदी का जल काफ़ी साफ हुआ करता था, पीने के लायक होता था। तो जैसे ही पानी उसमें भरने लगा और जब आवाज़ किया गड़गड़ की, वैसे ही कोई तीर उसकी छाती में आके लग जाता है और वह माँ पिता करके चिल्लाने लगता है। राजा दशरथ आह सुनकर दौड़े आए। तो राजा दशरथ ने ही तीर चलाया था, इसीलिए वो दौड़कर आए। पीठ पर धनुष और तरकस थे। घायल श्रवण को देखा, उसकी छाती से बाण निकाला, दुखित होकर पूछा, बालक तुम कौन हो? मेरा नाम श्रवण है, मैं अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। आप कौन हैं? आपने मुझे तीर क्यों मारा? श्रवण ने कराहते हुए पूछा। राजा दशरथ उसकी मदद के लिए आ पहुंचे और तीर उनके छाती से निकाल दिया। तो राजा दशरथ पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ कौन हो, मतलब क्यों आए हो? तो श्रवण कुमार अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं अपने माता पिता के लिए जल लेने आया हुआ था, आपने मुझे क्यों मारा? तो दशरथ ने कहा, बेटा श्रवण, मैं अयोध्या का राजा हूँ, शिकार करने आया था। मैंने समझा कि कोई पशु नदी में जल पी रहा है, भूल से तीर चला दिया, मुझे क्षमा कर दो बेटे। तो वहाँ पे राजा दशरथ उसके उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़े थे, इसलिए बेटे कहकर उनको संबोधित कर रहे हैं और उनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। राजा दशरथ अब मेरे, श्रवण कुमार बोल रहा है कि राजा दशरथ अब मेरे प्यासे माता पिता को जल कौन पिलाएगा, मेरी सेवा अधूरी रह गई। ओ, श्रवण ने पीड़ा के साथ कहा। तो राजा दशरथ बोलते हैं कि जल मैं पिलाऊंगा, श्रवण की सेवा अधूरी नहीं रहेगी। दशरथ ने भरोसा दिया। यह सुनकर श्रवण ने संतोष के साथ प्राण छोड़ दिए और वह उनकी मृत्यु हो जाती है श्रवण का वहाँ पे। दशरथ ने जलपात्र में जल लिया, वे प्यासे माता पिता के पास पहुँचे, उन्हें जल दिया, परंतु वे दोनों अपने बेटे को खोजने लगे। राजा दशरथ ने उनको
उनके माता पिता को जल पिला दिया, लेकिन वे दोनों अपने पुत्र को खोजने लगे, श्रवण को खोजने लगे। दशरथ ने अपना अपराध बता दिया, माता पिता शोक से भर उठे। राजा दशरथ उनको सब सच सच बता देते हैं कि एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, भूलवश मैंने उन पर तीर चला दिया। तो उनके माता पिता शोक से भर जाते हैं, मतलब दुखी हो जाते हैं। उन्होंने दशरथ को भी पुत्र शोक का शाप दिया और वे दोनों भी श्रवण बेटा कहते हुए सदा के लिए सो गए। वे लोग इतने दुखी हो गए कि उनकी मृत्यु हो गई और उन लोगों ने मृत्यु होने से पहले श्रवण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में अपना प्राण दे रहा हूँ, उसी प्रकार आपका भी पुत्र वियोग में ही मृत्यु होगा। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। वन नंबर में उक्रांत और उक्रांत, ये हर्षव है, ये दुर्गव, इस तरह का शब्द दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू में संयुक्त वर्ण दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे ये किस तरह से लिखा हुआ है। और शब्दों के अर्थ, यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, इनका प्रयोग, इनका वाक्य में प्रयोग करें, इसका वाक्य बनाना है। और क्वेश्चन नंबर फाइव में ये चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में किसने किससे कहा, इसमें जो मुख्य क्वेश्चन है उसका मैं आंसर आप लोगों को बना के दे रहा हूँ। ये है चैप्टर फोर का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर में इनका वाक्य में प्रयोग करें। सुशील, श्रवण एक सुशील बालक था। सेवा, माता पिता की सेवा धर्म है। यात्रा लंबी थी। संतोष सबसे बड़ा धन है। सफल, माता पिता की सेवा करने वाला सफल होता है। शौक, श्रवण के माता पिता शौक में डूब गए। शिकार, राजा दशरथ शिकार करने जंगल गए थे। अपराध, राजा दशरथ से यह अपराध हुआ। क्वेश्चन नंबर फाइव में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। श्रवण कैसा बालक था? श्रवण एक सुशील बालक था। माता पिता ने कैसी इच्छा प्रकट की? माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की। श्रवण ने उसकी इच्छा कैसे पूरी की? श्रवण ने उनकी इच्छा पूरा करने के लिए एक भांगी लाया, भांगी के दोनों तरफ माता पिता को बैठा दिया और भांगी को अपने कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा कराता रहा। वन में श्रवण के साथ क्या हुआ? वन में श्रवण के माता पिता को बड़ी प्यास लगी। वह भांगी को एक पेड़ की छांव में रखकर जल लेने नदी तट पर आ गया। जल पात्र को नदी में डुबोया, गड़गड़ की आवाज़ हुई। तभी एक तीर उसकी छाती में आ लगा, वह हाहाकार करने लगा। दशरथ को भूल के लिए क्या दंड मिला? दशरथ को भूल के लिए पुत्र शोक का शाप मिला। श्रवण कुमार की भक्ति का नाम बताइए। श्रवण कुमार की भक्ति का नाम मातृपितृ भक्ति है। क्वेश्चन नंबर छः में किसने किससे कहा, तो इसका डायरेक्ट आंसर दिया गया है, आप इसको देखकर अपने बुक में लिख सकते हैं। यहाँ पर यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।